व्हाट्स अप माई वंडरफुल पीपल, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हो गए। सो गाइज, आज है मेरी RS 200 का लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू। सो ये गाड़ी को लगभग 6 साल हो चुके हैं और लगभग 30,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। सो इतने टाइम में ये गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं आया और इसका इंजन अभी कैसा परफॉर्म कर रहा है, सो ये जितनी भी डिटेल्स है वो मैं आज आपको इस वीडियो में कवर करूंगा। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गाड़ी को 6 साल हो चुके हैं और टू बी प्रिसाइज ये 27,093 किलोमीटर चल चुकी है। और ये गाड़ी मैंने ली थी मई 2015 में और आज हो रहा है सितंबर 2021। सो 6 साल में मेरा इस गाड़ी का क्या एक्सपीरियंस है और इसमें मुझे कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्या इसके एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजन की, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी गाड़ी में। और मैं आपको बताता हूँ कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट इंजन आई हैव एवर सीन इन द टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी। मतलब ये इंजन इतना रिलायबल है, मतलब इसको अभी 27,000 किलोमीटर ये कल ही हुआ है और मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा कि चलो 27,000 किलोमीटर्स मेरे गाड़ी पे पूरे हो गए। ऑल दो ये गाड़ी उतनी ज़्यादा चली नहीं है, इसको अभी 40,000 क्रॉस कर लेना चाहिए था, बट ठीक है, 2 साल का ब्रेक लगा था बीच में कोविड के चक्कर में, इसलिए उस चीज़ को कवर नहीं कर पाई। और रिलायबिलिटी की बात आई तो 6 साल बाद भी इसका इंजन इतना ज़्यादा रिलायबल है। और कोई भी आप ब्रांड को देख लो, जैसे कि KTM, होंडा या इसी की गाड़ी का आप देख लो जैसे 220F, तो वो सारी इंजन्स की जो रिलायबिलिटी है वो इससे काफ़ी कम है। और क्योंकि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो कि मेरे बैचमेट थे, उनके पास CBR थी, 220 था और ड्यूक 200 था, RC 200 था, लेकिन वो सारे इंजन्स क्या है, 220 झड़झड़ा गई, CBR उतनी रिलायबल नहीं है, स्मूथ होती है लेकिन उसकी रिलायबिलिटी उतनी खास नहीं लगी मुझे। और KTM के इंजन का लाइफ आप लोगों को पता है कि ज़्यादा नहीं होता, सो रिलायबिलिटी के टर्म्स में KTM इज़ ज़ीरो। और ये इस बाइक की सबसे अच्छी बात है कि आज भी इस गाड़ी में उतना ही दम है जितना 6 साल पहले था। तो जब बात हो रही पावर की तो बता दूं मैं कि 24 PS का पावर मिलता है आपको इसमें। और जब ये मैंने बाइक ली थी आज से 6 साल पहले, उस टाइम ये इतनी ज़्यादा पावरफुल थी और आज भी इतनी पावरफुल है। मतलब आप इसके कैटेगरी में किसी भी बाइक को ले आओ, चाहे RC 200 को ले आओ, चाहे Duke 200 को ले आओ, चाहे आप 220 को ले आओ, किसी को भी ले आओ, ये आज भी उसको आराम से बीट कर सकती है क्योंकि इट्स अ BS3 एंड यू नो BS3 में जितनी पावर है वो ना आपको BS4 में मिलेगा, ना ही BS6 में। और जब मैं इस गाड़ी से उस टाइम ड्रैग्स करता था तो Duke 200 को तो ऐसे खा जाती थी ये। हाँ, ये है कि जो इनिशियल था उसमें ड्यूक आगे भाग जाती थी और उसकी हैंडलिंग अच्छी थी, उसकी ब्रेकिंग अच्छी थी, बट जैसी इनिशियल का लेवल ख़त्म होता था और ये उसको आराम से बीट कर देती थी। और टॉप स्पीड में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है, मतलब ये 150 क्रॉस कर लेती है। सो मतलब इट्स अ कंप्लीट अनलॉक मशीन। और बात कर लेते हैं इंजन हीटिंग इश्यूज की। सो पहले थोड़ा सा हीट करता था जब मैंने गाड़ी न्यू ली थी, सो थोड़ा सा भी जाम में रुकता था तो हीट होती थी गाड़ी, लेकिन उसके बाद थोड़े टाइम बाद इसका हीटिंग इशू भी ठीक हो गया, धीरे धीरे चलते चलते वो प्रॉब्लम भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। सो उस टाइम थोड़ा सा लगता था कि यार क्यों नहीं Duke 200 मैंने ले ली, क्योंकि उसका ब्रेकिंग मुझे बहुत पसंद था, उसका जो इनिशियल था वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, उसकी हैंडलिंग भी इससे ज़्यादा बेटर थी। बट आज मुझे ये लगता है कि मैंने सही डिसीज़न लिया RS 200 लेके। और स्टार्टिंग में जो मुझे प्रॉब्लम आई थी वो आई थी फ्यूल पंप की। सो पहले मैं चलाता था पल्सर 150, डिस्कवर और 220, सो उसमें ऐसा होता था कि 100 रुपये का भी तेल है तो आप जाके तेल भरवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस गाड़ी में जब मैंने ऐसा किया फर्स्ट टाइम तो मेरा फ्यूल पंप जल गया तुरंत। सो गाड़ी अचानक से बंद होने लगी, सो मैंने चेक करवाया तो उन्होंने बोला कि आपका फ्यूल पंप जल गया है और लगभग 7-8 हज़ार का खर्चा आया था। उसके बाद से उन्होंने बताया कि इसका जो कैपेसिटी है मिनिमम वो आप 3 लीटर्स रखो। सो अभी तक 6 साल में 2 बार मेरा फ्यूल पंप जल चुका है, एक बार मेरे से हुआ, एक बार मेरे छोटे भाई से हुआ है। सो मतलब ऐसा सीन था कि पेट्रोल पंप बंद था और 2-3 किलोमीटर आगे गए तब तक इसका फ्यूल पंप जल गया। सो ये इस चीज़ का ड्रॉबैक है, लेकिन अब BS6 में इस चीज़ को सुधार दिया गया है, अब आपको BS6 में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ BS3 में था ऐसा। तो अब इसका थोड़ा पावर टेस्ट देख लेते हैं कि ये कैसे भागती है, तो इसको थोड़ा भगा के देखते हैं। और बच्चों का रिएक्शन तो क्रेजी आ रहा है,
मतलब आप देख रहे हो अभी भी ये 11,000 आरपीएम आराम से टच करती है। वो मैंने आपको कहा ना कि आज भी इस गाड़ी में उतना ही पावर है जितनी ये पहले थी, और आरसी ड्यूक तो यार इसके सामने कुछ है ही नहीं। आप आज भी ले आओ, इनिशियल में भले ही जीत जाएगी बिकॉज इट्स अ हैवी मशीन। और इसका हाँ एक ये भी है कि ये थोड़ी हैवी मशीन है, इट्स अ 167 केजी, और जो ड्यूक है वो तो बिलो 140 होगी आई थिंक, और आरसी जो थी वो 145 148। सो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 6 साल पुरानी जितनी भी बातें उस चीज़ों को मैं याद कर रहा हूँ कि उस टाइम मैं कंपेयर किया करता था। सो उस टाइम तो मैं मोटो ब्लॉगर नहीं था, बट आज वो नंबर्स थोड़े काम आ रहे हैं मुझे। बट जैसे ही आपका इनिशियल मूवमेंट ख़त्म होगा ये भाई सबको खा जाएगी। सो अब बात कर लेते हैं इसके हैंडलिंग की और सीटिंग पोस्चर की। सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट सीटिंग पोस्चर, और इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग इट्स अ बेस्ट फुल फेयरिंग स्पोर्ट्स मशीन अंडर 200 cc, बिकॉज ये जो बाइक है ये स्पोर्ट्स टूरर है। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू रेस और ड्रैग और एनी थिंग, सो आप इस पर लीन करो और आप बहुत ही अच्छे से आपने देखा, आराम से लीन करो और यू कैन जस्ट गो अवे विद द फ्लो। और जब आपको टूरिंग करनी हो, सो इसका जो ये रेज हैंडल बार है ये इसका प्लस पॉइंट है बहुत बड़ा। आप आराम से बैठ सकते हो, आपके स्पाइन पे 0% प्रेशर आएगा। हाँ, इसकी सीट उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, थोड़ी सी सॉफ्ट बनानी चाहिए थी बजाज को बिकॉज इट्स अ स्पोर्ट्स टूरर मशीन। बट 500 किलोमीटर तक अगर आप चलाओगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर एक दिन में उससे ज़्यादा चलाओगे तो हल्का सा आपके बम में दर्द होगा, यू नो व्हाट आई मीन टू से। और बात होती है आदत की भी, अगर जिसको आदत लग गई उसको तो भाई कोई परेशानी नहीं है। हैंडलिंग में ये है थोड़ा सा ड्रॉबैक कि इट्स अ हैवी मशीन, और वैसी बात है अगर आपको आदत होगी सो यू कैन ईजिली फिल्टर और यू कैन ईजिली कॉर्नर दिस मशीन लाइक हेल। बात कर लेते हैं इसकी ब्रेकिंग की। सो स्टार्टिंग में थोड़ा सा दुख हुआ था मुझे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने ड्यूक क्यों नहीं ली, उसकी ब्रेकिंग बहुत ही अच्छी है और इट्स एन ABS मशीन जो ये मेरी है। सो इसमें थोड़ा सा ये था कि स्टार्टिंग में तो भाई बहुत अच्छी ब्रेकिंग होती थी, बट धीरे 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 इसकी ब्रेकिंग पावर कम होती गई। मैं ब्रेक पैड चेंज भी करवा लेता था बट उतना कोई मुझे खास फ़र्क नहीं पता चलता था इसके ब्रेकिंग में। सो अभी 5 साल बाद, मतलब जो भी खर्चा हुआ है इस गाड़ी पे वो 5 साल बाद हुआ है। आफ्टर 5 ईयर्स मैंने इसका दोनों डिस्क प्लेट चेंज करवा दिया और दोनों ब्रेक पैड्स चेंज करवा दिए और पावर सिलेंडर चेंज करवा दिया। तो उसके बाद से लगभग 20-30% ब्रेकिंग इसकी अच्छी हो गई है, क्योंकि ऑफकोर्स न्यू डिस्क प्लेट है। और ये गाड़ी अभी भी ऐसे भाग रही है क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि मैंने इस गाड़ी को टाइम टू टाइम सर्विस दी है, इसकी बहुत ज़्यादा केयर रखी है। और स्टार्टिंग में मैं बजाज का इंजन ऑयल यूज़ करता था तो उतना मज़ा नहीं आता था गाड़ी चलाने में, बट जब से मैंने मोटूल यूज़ करना स्टार्ट किया है उसके बाद से इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स और इसका इंजन पावर बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला मुझे। सो मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप कोई भी गाड़ी चलाते हो सो यूज़ गुड इंजन ऑयल, क्योंकि इंजन ऑयल अगर आपका अच्छा रहेगा तो आपकी इंजन लाइफ भी बढ़ेगी। सो यही इसका रीज़न है, आप टाइम टू टाइम सर्विस करवाओ। मैं इसकी हर सर्विसिंग मतलब अप्रॉक्स 5000 किलोमीटर्स में करा लेता था, और 6 सालों में सिर्फ इसका एक बार डिस्क प्लेट चेंज हुआ है, और वो भी ये मांग नहीं रही थी, लेकिन थोड़ा सा उसमें लाइनिंग आ गया था
सो मैंने सोचा कि चलो अब इसको डिस्प्ले इसका चेंज करवा लेते हैं। और एक बार इसका चेन किट चेंज हो चुका है, ये भी इसी साल हुआ है, तो इसका चेन भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था। सो आई थॉट कि चलो अब जितना भी काम हो रहा है एक ही साथ करवा लेते हैं। सो इसका डिस्प्ले चेंज हुआ और चेन किट चेंज हुआ और पावर सिलेंडर इसका चेंज हुआ। सो उसके बाद गाड़ी ने बहुत ही अच्छा मुझे परफॉर्मेंस दिया है। सो आप ये कह सकते हो कि जो भी इसने खर्चा मांगा है ये 5-6 साल बाद मांगा है, और ये तो भाई नॉर्मल है। अब 5 साल अगर आप यूज़ कर रहे हो, चला रहे हो, तो इतना तो बनता है यार। और बाकी इसके जितने भी हेडलाइट्स हैं और इंडिकेटर्स हैं, सो ये सब भी बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, आज तक मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई कि ये फ्यूज़ हो गया है या इंडिकेटर में कोई प्रॉब्लम है, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और इन टर्म्स ऑफ बैटरी, क्योंकि मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाइट कलर की एलईडी लगी हुई है, सो इट्स अ नाइट आई एलईडी, और यहाँ पे दो इंडिकेटर, यहाँ पे दो इंडिकेटर और यहाँ पे दो इंडिकेटर। और गाइज मैं आपको बता दूँ कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर आई हैव एवर सीन इन दी बाइक, बिकॉज ये जो चीज़ है ये चीज़ इसको टूटने नहीं देती है। और टच वुड 6 साल में आज तक एक भी इंडिकेटर फ्यूज़ नहीं हुआ, एक भी इंडिकेटर टूटा नहीं। 3-4 बार मेरा एक्सीडेंट भी हो चुका है, 3-4 बार गाड़ी गिर चुकी है, बट आज तक इस इंडिकेटर को कुछ भी नहीं हुआ। सो इन टर्म्स ऑफ लाइटनिंग और बैटरी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक 6 सालों में। और बात कर लेते हैं अब माइलेज की। सो इसकी माइलेज अप्रॉक्स 25-30 अभी मुझे मिल जाती है सिटी में, बिकॉज हम लोग रेगुलर ब्रेक यूज़ करते हैं, क्लच यूज़ करते हैं। बट यू डोंट बिलीव कि जब मैं अभी इसको बराबर केस लेके गया था इसको, सो अभी 250 किलोमीटर्स की राइड की थी, सो बिलीव मी इट गिव्स मी 45-50 kmpl पर लीटर। सो मैंने जब कैलकुलेट किया कि मेरा कितना पेट्रोल लग गया, सो और किलोमीटर्स को मैंने देखा, तो यार आई एम शॉक्ड। मतलब 45-50 किलोमीटर्स आफ्टर 6 ईयर्स, सो ये मतलब इट्स लाइक इम्पॉसिबल, बट इसने दिया यार। और आज भी मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये मैंने गाड़ी चूज़ की। ऑल दो मेरी ड्रीम थी पल्सर 220F, बट जब मैंने देखा इसका ट्रेलर कि फास्टेस्ट पल्सर एवर, सो स्पीड से तो मुझे बहुत प्यार था और आज भी है। और पल्सर RS 200 इज़ दी ब्यूटीएस्ट रेयरेस्ट और बेस्ट बाइक अभी तक ही जो मुझे लगती है। सो मेरे टर्म्स में तो यार ये बेस्ट बाइक है जो कि बजाज के फैक्ट्री से निकली है। सो मुझे ना ही डोमिनार पसंद है, ना ही मुझे NS 200 पसंद है, ना ही मुझे 220 अब पसंद है। सो अब इसका गियर टेस्ट करके देख लेते हैं कि आज भी ये कितने गियर में कितना स्पीड उठा सकती है। सो चलो स्टार्ट करते हैं, 3-2-1 गो। 48 इन फर्स्ट गियर, 66 इन सेकंड गियर, 87 इन थर्ड गियर, 111 इन फोर्थ गियर, और फिफ्थ गियर यहाँ पे टेस्ट करना यार सेफ नहीं है, सो इसलिए मैं इसको नहीं करूँगा। बट आप देख सकते हो उसका जो लिमिटर आता है वो भी 11,000 RPM पे आता है। सो आई होप जितने भी डिटेल्स है मैंने इस बाइक के बारे में आपको बता दिया, और अगर कुछ छूट गया होगा तो और कमेंट करके आप पूछ सकते हो उस चीज़ को, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, उसका आंसर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। और जिन्होंने भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है 299 फिल्म्स के नाम पे, आप जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे फोटोज़ और वीडियोस बहुत ही अच्छी आ रही हैं। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को मेरा सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, ज़िंदगी जियो हंसते हंसते, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, साइनिंग ऑफ गबरू, बाय।